साथियों, अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्सपेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए, वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ यह होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी।